Good morning, night class. How are you, better? Hope all of you are fine. It's your class of chemistry, and I'm your teacher, Ma'am Nandesh Mustaba. Today, as you know, we have studied the chapter number 6, and today we will discuss about the colloids. In the previous lecture, you studied about the solution, solute, solvent, concentration, molarity. Moreover, you have discussed about the suspension also. Today we're going to discuss colloids. That what are colloids? So colloids kya hote hain? Ninth class, colloids jo hote hain ye bane hote hain made up of two or more than two substances. Theek hai, jo do ya do se zyada substances se bane hote hain, made up of two or more than two substances. ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा substances से बने होते हैं, but keep it in mind कि they don't dissolve with each other. ठीक है, they don't dissolve with each other, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर mix नहीं हुए होते, हल नहीं हुए होते. और दूसरी बात ये है, ninth class, यहाँ पे जो particles of one substance होते हैं वो आप दूसरे के साथ देख सकते हैं. ठीक है, particles of one substance seem to be spread through the other, यानी कि ऐसे feel होता है कि जैसे वो एक दूसरे के साथ spread हुए हुए हैं, particles, एक के particle दूसरे particle के साथ spread हुए होते हैं. such type, this is the type of the solution, you can say. ये made up of two or more than two substances. जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो बना रही हैं collide. लेकिन but in the collide, the particles of one cannot dissolve into the other. But you can see the particles that are spreading. जो spread हुए हैं through the other, दूसरे के अंदर. ठीक है, यानी कि जो collides होते हैं या जो colloidal solutions होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर इनके जो particle हैं, जो solute के particle हैं, they don't dissolve with each other. एक दूसरे के अंदर वो dissolve नहीं हुए होते, वो मिक्स नहीं हुए होते. तो लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, आप दूसरे के अंदर उसको इजीली देख सकते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल है निशास्ता, स्टार्च. ठीक है, जब आपने निशास्ते को वाटर में मिक्स किया, व्हेन यू मिक्स द स्टार्च विद द वाटर, अ पेस्ट इज फॉर्म. ठीक है, एक पेस्ट बन जाता है. और ये जो पेस्ट है, ना तो ये सॉल्यूशन है ना ही ये सस्पेंशन है. ठीक है, स्टार्च को मिक्स किया है मैंने विद द वाटर, तो इसने बनाया है कोलाइड. क्या बनाया है नाइन्थ क्लास? कोलाइड बनाया है. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ना वो सॉल्यूशंस जैसी हैं और ना ही वो सस्पेंशन जैसी हैं. नॉट लाइक सस्पेंशन, नॉट लाइक सॉल्यूशन. तो सर टाइप ऑफ जो आपके पास मिक्सचर बनता है, डेट इज़ कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, नाइन्थ क्लास, आप उन्हें क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन आप उनको कह सकते हैं. ठीक है, इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल होती है हमारे पास ब्लड. ठीक है, ब्लड आपके पास जो है, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोलाइड. हमारा जो ब्लड है, कोलाइड की बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, ब्लड है. इसके अलावा जो शेविंग क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोलाइड्स. ठीक है, तो इट्स मीन कि जो आपके पास कोलाइड्स वगैरह होते हैं, इसकी जो कंपोजिशन होती है, डैट इज़ द यूनिफॉर्म. यू कैन से कोलाइड हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. कोलाइड की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक जैसी होती है. और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर इसकी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात की जाए, तो वो आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इन डायमीटर हो सकते हैं. 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, अगर उनका डायमीटर के फॉर्म में देखा जाए. और दूसरी बात ये भी है कि इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्टैंड करें थोड़ी देर के लिए, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो डजंट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कि इसमें सेडिमेंटेशन नहीं होती. देयर इज़ नो सेडिमेंटेशन इन द कोलाइड्स. कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर आप सस्पेंशन को शेक करते हैं, रेगुलर कंटिन्यूसली शेकिंग के बाद अगर आप उसको 5-1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, दे विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बट देयर इज नो सेडिमेंटेशन इन द कोलाइडल सॉल्यूशन. यानी कि अगर आप कोलाइड्स को थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर दें, छोड़ दें, अलाउ टू स्टैंड कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, दे विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. सो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस मीन के
जो आपके पास है कोलाइड्स, इनमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो जो फ्लूड के पार्टिकल्स होते हैं डोंट सेटल डाउन एट द कंटेनर, ठीक है, डोंट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, कंटेनर के पिंड में नहीं बैठते, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्लूड के पार्टिकल्स होते हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के ज़रिए, यानी कि अगर आप जैसे कि सस्पेंशन में आप फिल्टर पेपर के ज़रिए से अगर आप फ्लूड के पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते, सस्पेंशन की बात हो रही है, बट कोलाइडर सॉल्यूशन में आप फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई है, मिल्क जो है हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है मिल्क, ठीक है। ब्लड का मैंने आपको बताया, ब्लड इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कोलाइड होता है ये एक इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन का, ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट आ जाती हैं, ना तो इसकी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन जैसी होती हैं ना ही इसकी प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी होती हैं। तो ये बात हो रही है जी हमारे पास से कोलाइडल सॉल्यूशन की। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट के जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दिज आर मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, ऑल दो दे लुक्स लाइक डिजॉल्व बट दे आर रियली नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, लेकिन आप एक पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हम बनाते हैं पेस्ट का, किसका, स्टार्च एंड वाटर का, ठीक है, अगर आप स्टार्च एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोलाइड, ठीक है। अब जो स्टार्च होगा या नशास्ता वगैरह जो होता है ये ऑल दो इट सीम्स कि ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो चुका है बट रियली नॉट डिजॉल्व, आप स्टार्च को देख सकते हैं, और अगर आप इसको फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें अगर इसका साइज़ देखा जाए, साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया इसका साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक इन डायमीटर हो सकता है, एंड इसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस मीन कि अगर आप जो मिक्सचर बनाया है कोलाइड्स का अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए अलाउ करते हैं फर्स्ट एंड, तो जो फ्लूड के पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर में नहीं होते, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, और बट यू कैन नॉट सी बाय द इट नेकेड आई। इसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पेरेंट्स जो होती है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन की आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक है जी कोलाइड्स। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासेज ऑफ कोलाइड्स, के क्लासेज ऑफ कोलाइड्स क्या हैं, ठीक है, और कितनी हैं, ठीक है, लेट्स सी।